हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लुकर्स। आज हम बात करने वाले हैं हॉकिंस की प्रो ट्राईप्लाई सीरीज की नए साइज की कढ़ाई के बारे में। अगर आप अपने किचन के लिए कुछ परचेजेस करना चाहते हैं, अपने किचन के लिए एक बेहतर यूटेंसिल देख रहे हैं जो कि हेल्दी हो, हाइजीनिक हो और एक बढ़िया क्वालिटी हो जिसमें खाना जले नहीं, तो आज ही लखनऊ लोकल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के यूटेंसिल्स हम आपको रेगुलर बेसिस पे दिखाते रहते हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ब्रांड न्यू लॉन्च जो कि हॉकिंस की तरफ से आता है, और ये कढ़ाई जो है बाकी कंपनी के कंपैरिजन में नो डाउट बहुत बड़ा कंपटीशन है। आज हम आपको 3.5 लीटर की कैपेसिटी की कढ़ाई दिखाने वाले हैं, जिसका डायामीटर 26 सेंटीमीटर है और जो थिकनेस दी हुई है वो एक्स्ट्रा थिक 3mm ट्राईप्लाई स्टील है, जो कि कोई और कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं करता। अभी इससे पहले मैं हॉकिंस के काफ़ी ज़्यादा ट्राईप्लाई स्टील आपको दिखाता था जो कि प्रीवियस सीरीज की थी, बट अब हॉकिंस ने अपनी जो प्रो सीरीज निकाल दी है तो वाकई में ये प्रो सीरीज है, क्योंकि इसमें हॉकिंस ने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। हॉकिंस ने ढक्कन स्टेनलेस स्टील का दे दिया है, यहाँ पे हैंडल स्टेनलेस स्टील का दे दिया है जो कि काफ़ी अच्छा है, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा डीप क्वालिटी दे रखी है। तो चलिए आज इसको हम अनबॉक्स करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या क्या बेहतरीन फीचर्स इसमें हैं, उसी के साथ साथ इस कढ़ाई को कितने अच्छे प्राइस पे आप ले सकते हैं, आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि आखिर इस कढ़ाई में हमें क्या क्या चीज़ें बेहतर मिल रही हैं। तो सबसे पहले यहाँ से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। दो तरीके की टेपिंग होती है, इसको ज़रा हम यहाँ से कुछ इस तरीके से रिमूव करेंगे और आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आप इस कढ़ाई को लेना चाहते हैं, अगर आप ये कढ़ाई पसंद आती है, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका बाय लिंक दे रखा है, जहाँ से आप इस कढ़ाई को परचेज कर पाएंगे। मगर उससे पहले चलिए इसका पहला लुक देख लेते हैं कि आखिर कैसी लगती है ये कढ़ाई, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी पैकेजिंग। तो पैकेजिंग काफ़ी अच्छी तरीके से दी हुई है, तो इसको ज़रा यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। ये रहा इसका ढक्कन जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। अभी तक हॉकिंस जो है वो कांच का ढक्कन देता था जिसकी एक दिन की भी गारंटी नहीं होती थी, बट यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का लिड दे दिया है जो कि क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वालिटी में है। यहाँ पे आपको एक स्टेनलेस स्टील का ग्रिप मिल जाता है जो कि लगभग स्टेकुल रहता है, और पूरा स्टेनलेस स्टील का ढक्कन है जिसमें हॉकिंस ऑफ फ्यूचरा का मार्का भी मिलता है। यहाँ से काफ़ी ब्लंट एंड हैं जिसकी वजह से, देखिए यहाँ से थिकनेस भी आप देख पाएंगे, तो यहाँ पे आप ब्लंट एंड है जिसमें आप ऑब्वियस ही बात है कि हाथ हम लोग का इधर से उधर लगेगा नहीं। उसी के साथ साथ कंपनी इसकी 5 साल की गारंटी देती है, ISI मार्क की कढ़ाई है। मैं ये भी मेंशन करना चाहता हूँ कि काफ़ी सारी ट्राईप्लाई स्टील की कढ़ाइयाँ आज तक ट्राईप्लाई स्टील में ISI मार्किंग नहीं होती, बट यहाँ पे हॉकिंस ने अपनी इस कढ़ाई को ISI मार्किंग दे दी है। और यहाँ पे कुछ टेस्ट रेसिपीज़ भी हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हैं अपने घर पर बिल्कुल अच्छी तरीके से। उसी के साथ साथ अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ काफ़ी अच्छी डिज़ाइन और साइज़ कढ़ाई का। अब आप इसका अगर पहला लुक देख भी रहे होंगे तो आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि कढ़ाई का शेप और डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। उसके कुछ रीजंस हैं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो रीज़न ये है वो ये है कि सबसे ध्यान से देखिए इसका जो हैंडल का स्टेप और टेक्सचर दिया हुआ है, ये नीचे की तरफ से काफ़ी अच्छा ग्रिप करता है और ये स्टे कूल रहता है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा गर्माहट फील नहीं होगी कुकिंग करते टाइम पे, जिसकी वजह से इसको पकड़ के आप काफ़ी आराम से स्पैचुला भी चला पाएंगे। दूसरी बात यह है कि इसमें रिविट्स जो हैं वो थोड़े इन्वर्टेड दे रखे हैं। अभी तक मैंने बहुत सारी कढ़ाइयाँ रिव्यू करी हैं जिसमें शायद मैक्सिमा का रिव्यू करते टाइम पे मैंने बताया था इन्वर्टेड है रिवेट्स, और ये काफी इंटरेस्टिंग है और इसमें कहीं भी आपको गैपिंग देखने के लिए नहीं मिलती है, जिसकी वजह से इसमें गंदगी फंसेगी नहीं। दूसरी चीज है, यहां पे पहले हॉकिंस 4 रिवेट्स देता था, बट अब 2 रिवेट में ही उन्होंने उतनी मजबूती दे दी है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूं कंप्लीट 360 डिग्री एंगल की, तो यहां पे आपको काफी फ्लॉलेस फिनिशिंग मिलेगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा था इसमें,
में वो थी इसकी थिकनेस, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसकी थिकनेस काफ़ी मोटी है, जिसको हम एक्स्ट्रा थिक 3 mm कहते हैं, जिसकी वजह से आप इंडक्शन पे कुकटॉप पे इसको यूज़ करेंगे तो ये जलने की शिकायत इसमें नहीं आती है, फूड बर्न नहीं होता। उसी के साथ साथ यहाँ पे भी आपको डबल साइडेड हैंडल काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से मिल जाता है। और अगर इसका कंप्लीट ये रिव्यू देखेंगे तो ये देखिए काफ़ी अच्छी फ्लॉलेस फिनिशिंग के साथ ये आता है। अंदर के सरफेस की बात करते हैं, अब बात करेंगे कि इस मटेरियल में कितना हाइजीन का ध्यान रखा गया है। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आज भी आप एल्यूमिनियम की कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं तो उठा के फेंक दीजिएगा। और मैंने इस कढ़ाई का रिव्यू के साथ साथ इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दिया है, जहां पे इसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इसको काफी अच्छे दाम पे खरीद पाएंगे। ये कढ़ाई जो है वो 2.5, 3.5 एंड 6 लीटर कैपेसिटी की है। अगर आप एक सेफर साइड चलना चाहते हैं तो आप 3.5 की कढ़ाई ले सकते हैं, जिसमें 3 लोगों से लेके 5 लोगों तक का खाना आराम से आप प्रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं अंदर के सरफेस की, जो कि बड़ी देर से मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो अंदर का सरफेस है ये आपको मैट फिनिशिंग में मिलता है और 304 ग्रेड की स्टील होती है। इसी के साथ साथ इसको आप ओवन में भी यूज कर सकते हैं। देखिए बड़ा बड़ा उन्होंने लिख भी रखा है कि पहली बार कढ़ाई जो ऐसी है जो कि आप ओटीजी में यूज कर पाएंगे। उसी के साथ साथ ये आप डिश वॉशर में यूज कर पाएंगे। अभी तक जितने भी फ्यूचरा के या और भी यूटेंसिल्स आते थे वो हम यूज नहीं कर पाते थे, क्योंकि यहां पे वुडन हैंडल लगता था। अब हम इसको, डिशवॉशर सेफ है, ओवन सेफ है, साथ ही साथ इसमें काफी अच्छी थिकनेस मिलती है, डेप्थ काफी अच्छी दी हुई है कढ़ाई की, इंडक्शन कंपैटिबल बेस के साथ आती है और 3.5 लीटर कैपेसिटी इसकी दी हुई है। तो चलिए देखते हैं इसका ढक्कन लगा के इसका कंप्लीट लुक कैसा आता है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट इसका लिड मैंने लगा दिया है, गैपिंग आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रही होगी, थोड़ी बहुत जो स्टीम है वो यहाँ से वैपरेट हो जाती है, पूरे फ्लेवर्स और पूरी तरीके से खाना जो है इसमें हेल्दी सरफेस में पकता है। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों को डाउट होगा कि ट्राईप्लाई स्टील में, जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है AISI 304 18x8 फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील है, कोर में IS-21 स्टैंडर्ड का हैवी गेज एल्युमिनियम लगा हुआ है। अब एक जगह मैं आपसे कह रहा हूं कि एल्युमिनियम को डिस्कार्ड कर दीजिए और एक जगह यहां पे एल्युमिनियम मेंशन है, तो उन लोगों को मैं बता दूं जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसको पूरी तरीके से सैंडविच की तरह बनाया गया है। जो कुकिंग सरफेस दिया है वो बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया है, कुकिंग सरफेस जो है वो AISI मतलब 304 ग्रेड का है। इसके नीचे की तरफ यहाँ पे एल्युमिनियम लगाया गया है, जिसका खाना बनाने से कोई भी मतलब नहीं है, तो ये बात जानना बड़ा ज़रूरी था। और उसी के साथ साथ एक बार कंप्लीट 360 डिग्री व्यू इसका देख लीजिए, काफ़ी ब्यूटीफुल कढ़ाई है, शेप डिज़ाइन टेक्सचर बहुत ही प्रिटी है। और मैं आपको कहूँगा कि अगर मैं कंपैरिजन करूँ अदर ब्रांड से तो भी ये कढ़ाई मुझे ज़्यादा पसंद आई, साइज के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से, और इसमें अभी तक तो मेरे को कोई कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने थिकनेस अच्छी दे रखी है। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट प्राइसिंग के बारे में, जहां 3.5 लीटर की बाकी ब्रांड्स की कढ़ाइयां 3,000 रुपए की आफ्टर डिस्काउंट पड़ती हैं आपको, हॉकिंग्स ने वहीं पे 2,950 रुपीस का आपको MRP दे रखा है, जिसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 10-15% का एक डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो डेफिनेटली अगर ये कढ़ाई अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका बाय लिंक दिया हुआ है, जहां से 2.5, 3.5 एंड 6 लीटर कढ़ाई आप डेफिनेटली परचेज कर पाएंगे। होप आपको ये डिटेल रिव्यू अच्छा लगा हो, और अगर आप इस टाइप के डिटेल रिव्यूज अपने किचन के यूटेंसिल्स के देखने चाहते हैं तो आज ही लखनऊ लोकल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे बनाते हैं, जिससे आप अपने किचन को हेल्दी बना सकें और इम्प्रूव कर सकें। तो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।